द टोटल टैक्स एबल इनकम ऑफ टू परसन इज़ रुपीज़ टू लाख फिफ्टी थाउजेंड एंड रुपीज़ थ्री लाख टेन थाउजेंड रिस्पेक्टिवली वर्कआउट द इनकम टैक्स फॉर ईच ऑफ दैम एट द रेट ऑफ फोर पॉइंट फाइव परसेंट टू परसेंस की टैक्स एबल इनकम बताई गई है फर्स्ट पर्सन की टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ और सेकेंड पर्सन की थ्री लाख टेन थाउजेंड रुपीज़ क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ तरतीब से टू ये फर्स्ट पर्सन की और ये थ्री लाख टेन थाउजेंडा ये सेकंड पर्सन की है ये बताने के बाद कहा गया कि इनकी इनकम टैक्स मालूम करें ये तो अमाउंट बताई गई है टैक्स एबल इनकम काबिल टैक्स आमदनी बताई गई है ये इनकम है काबिल टैक्स इस पर हमने इनकम टैक्स मालूम करना है कि कितने रुपये इनकम टैक्स इस पर अदा करना पड़ेगा या इस पर हुकूमत चार्ज करेगी और टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए उसका रेट बताया गया है फोर पॉइंट फाइव परसेंट टू पर्सन का हमने करना है कैलकुलेट इनकम टैक्स तो पहले मालूम कर लेंगे फर्स्ट पर्सन का और फिर बाद में उसके दूसरे पर्सन का टैक्स एबल इनकम पहले लिख लेते हैं फर्स्ट पर्सन की टैक्स एबल टैक्स एबल इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन की टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज रुपीज टू लाख फिफ्टी थाउजेंड और उस पर रेट इनकम टैक्स का रेट फोर पॉइंट फाइव परसेंट रेट बताया गया है फोर पॉइंट फाइव परसेंट और जैसा कि कहा गया है इनकम टैक्स मालूम करें तो इनकम टैक्स मालूम कर लेते हैं इनकम टैक्स इनकम टैक्स को मालूम करने का रेट बताया गया है फोर पॉइंट फाइव परसेंट तो फोर पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ किसका टैक्स एबल इनकम का टैक्स एबल इनकम फर्स्ट परसन की है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड टू लाख फिफ्टी थाउजेंड फोर पॉइंट फाइव परसेंटेज का सिंबल रिमूव करेंगे तो डिवाइड हंड्रेड से कर देंगे ऑफ मींस मल्टीप्लाई और टू लाख फिफ्टी थाउजेंड ये वाले हंड्रेड के टू जीरो टू लाख फिफ्टी थाउजेंड का टू जीरो से कैंसल बाकी रहेगा टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है फोर पॉइंट फाइव से फोर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू अलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी एलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ फर्स्ट पर्सन की हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट कर ली जैसे कहा जा रहा था कि इनकम टैक्स मालूम करें फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन का हमने पहले फर्स्ट पर्सन का मालूम कर लिया अलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ इस पर इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा अब देख लेते हैं सेकेंड पर्सन का तो पहले जिस तरह लिखा टैक्स एबल इनकम है फर्स्ट पर्सन टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इस तरह आप सेकंड पर्सन का इनकम टैक्स एबल इनकम है थ्री लाख टेन थाउजेंड रुपीज तो लिख लेंगे टैक्स एबल इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन टैक्स एबल टैक्स एबल इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन बताई गई है रुपीस थ्री लाख टेन थाउजेंड और रेट जैसा कि इनकम टैक्स का रेट बताया गया है पहले फर्स्ट पर्सन के लिए भी हमने लिखा यह बताया गया है फोर पॉइंट फाइव परसेंट रेट दोनों के लिए सेम है इनकम टैक्स का रेट है फोर पॉइंट फाइव परसेंट और जैसा कहा गया है इनकम टैक्स मालूम करें तो इनकम टैक्स मालूम कर लेते हैं इनकम टैक्स मालूम करने का कहा गया है इनकम टैक्स को मालूम करने के लिए इसका रेट लिखेंगे इनकम इंक, टैक्स का 4.5% परसेंट है तो किस क, किस में से हमने इनकम टैक्स फाइंड करना है टैक्स एबल इनकम में से 4.5% परसेंट ऑफ टैक्स एबल इनकम जो कि थ्री लाख टेन थाउजेंड है सेकंड पर्सन की अब इसको सिंपलीफाई करें तो 4.5 परसेंटेज का सिंबल रिमूव करके डिवाइड हंड्रेड से ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई थ्री लाख टेन थाउजेंड हंड्रेड के टू जीरो थ्री लाख टेन थाउजेंड के टू जीरो से कैंसल बाकी रहेगा थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है फोर पॉइंट फाइव से फोर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड इज इक्वल टू थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज सेकेंड पर्सन के का इनकम टैक्स तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया था कि वर्कआउट द इनकम टैक्स फार ईच ऑफ दैम यानी कि दोनों का इनकम टैक्स कैलकुलेट करें हम दोनों का इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट पर्सन का एलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ है और फिर सेकंड पर्सन का इनकम टैक्स आ रहा है थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़